कैप्टन कूल, यह शब्द सुनते ही आपके दिमाग में एक ही ख्याल आता होगा और वो है महेंद्र सिंह धोनी। धोनी अपने शांत स्वभाव के लिए बहुत ही जाने जाते हैं और कितनी भी मुश्किल परिस्थिति हो बट वो कभी भी परेशान नजर नहीं आते हैं। साल 2004 में डेब्यू करने वाले महेंद्र सिंह धोनी को आमतौर पर बहुत ही कम गुस्सा आता है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ग्राउंड के खिलाड़ियों को भी धोनी के गुस्से का सामना करना पड़ा। फिर चाहे वो खिलाड़ी अपने टीम के हो या सामने वाली टीम के हो, अंपायर भी उनके गुस्से का शिकार हो चुके हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन सभी को धोनी के गुस्से का सामना करना पड़ा, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज हम आपको दिखाएंगे महेंद्र सिंह धोनी के टॉप एंग्री मोमेंट्स की झलक। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को अक्सर क्रिकेट के मैदान पर शांति देखा गया है। धोनी को जितना काम विकेट के आगे खड़े रह करते देखा गया है, उतना ही काम वो विकेट के पीछे भी करते हैं, जिससे गेंदबाजों को बहुत मदद मिलती थी। वो विकेट के पीछे से ही गेंदबाजों को काफी मदद देते थे। इशारों में वो गेंदबाजों को विकेट लेने का सही तरीका बताते थे। मौजूदा समय में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को 2018 के एशिया कप मैच में न होने की वजह से उस मैच की कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी को दे दी गई थी। इस मैच में कुलदीप यादव को धोनी की सेट की गई फील्डिंग अच्छी नहीं लगी तो वो खुद ही फील्डिंग सेट करने लगे, तो उसको देख धोनी ने कुलदीप से कहा कि गेंदबाजी करेगा कि नहीं या फिर गेंदबाजी चेंज कर दूं। महेंद्र सिंह धोनी को सफल एथलीट कहा जाता है क्योंकि माही ने जिस तरह से विकेटों के बीच दौड़कर एक शानदार नजारा पेश किया है वो एक काबिली तारीफ है। वैसे तो धोनी हमेशा ही बहुत शांत रहने वाले खिलाड़ी है, कभी कभी खिलाड़ियों की वजह से उन्हें गुस्सा भी आ जाता है। इन्हीं खिलाड़ियों में से एक है मनीष पांडे। साल 2018 में साउथ अफ्रीका के दौरे पर एक मैच के दौरान मनीष पांडे महेंद्र सिंह धोनी के साथ क्रीज पर मौजूद थे। तभी मैच में धोनी ने बॉल को मारा और 2 रन लेने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन 1 रन पूरा करने के बाद मनीष गेंद की तरफ देखने लगे, जिसके चलते महेंद्र सिंह धोनी 2 रन नहीं ले पाए। उसके बाद धोनी ने मनीष को डांटते हुए कहा कि उधर इधर क्या देख रहे हो, इधर देखना भाई। महेंद्र सिंह धोनी के नाम 0.09 सेकंड में स्टंपिंग करने का रिकॉर्ड दर्ज है। धोनी की चीते जैसी स्फूर्ति को देख के कोई भी बल्लेबाज आगे आने की हिम्मत नहीं करता है। लेकिन कुछ ऐसा ही घटित हुआ साल 2011-12 में, जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थी। इस दौरान त्रिकोणीय सीरीज के एक मैच के दौरान माइकल हसी को धोनी ने स्टंप आउट कर दिया था। इसके बाद हसी पेवेलियन जाने लगे। मैदान पर खड़े अंपायर ने अपना डिसीजन थर्ड अंपायर को रेफर कर दिया, जिसके बाद अंपायर ने हसी को मैदान से बाहर ना जाने के लिए कह दिया। इस डिसीजन से महेंद्र सिंह धोनी नाखुश लगे और उसके अंपायर के साथ बहस होने लगी। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और टीम इंडिया 2014 में न्यूजीलैंड के दौरे पर थी। इस दौरान टेस्ट मैचों की सीरीज खेले जानी थी, जिसमें वेलिंगटन में हुए टेस्ट में भारतीय टीम की हालत बहुत खराब थी और इसी मैच में ब्रेंडन मैकलम ने 3rd शतक जड़ा था। यह देखकर भारतीय टीम बैकफुट पर आ गई थी। वैसे धोनी की चिंता की बात यह नहीं बल्कि मोहम्मद शमी की गेंदबाजी थी। मैच में शमी ने एक गेंद ऐसी फेंकी जो विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी के सर के ऊपर से निकल गई। उन्होंने शमी से पूछा कि क्या हुआ, तो शमी ने जवाब दिया कि उनके हाथ से गेंद छूट गई। इसके बाद धोनी को गुस्सा आया और उन्होंने कहा, मैं आपका सीनियर खिलाड़ी हूँ, बताओ सच में क्या है ये सब, मैंने बहुत लोगों को अंदर बाहर होते हुए देखा है। ऐसे ही वो मोहम्मद शमी पर गुस्सा हो गए। मैच के दौरान महेंद्र सिंह धोनी की नजर सब पे रहती है। उन्होंने क्रिकेट जगत में अपने अनुभव का खूब इस्तेमाल किया है। धोनी ने अंपायर को काफी बार यह बताया है कि आप इस जगह गलत डिसीजन दे रहे हैं। इसी बात को लेकर महेंद्र सिंह धोनी ने अंपायर डेरन हार्पेल को भी गुस्सा दिखाया था। भारतीय टीम के पूर्व गेंदबाज प्रवीण कुमार का टेस्ट में डेब्यू हुआ था, जिसमें वो गेंदबाजी कर रहे थे। इस मैच में गेंदबाजी करते हुए प्रवीण कुमार विकेट के सामने आ गए, जिसके लिए उन्हें अंपायर डेरन ने ओवर डिसमिस कर दिया, जिस पर महेंद्र धोनी को गुस्सा आया और उन्होंने अंपायर डेरन को कहा कि आपको पहले ही वार्निंग देनी चाहिए, जिसके चलते कुछ कहासुनी भी हो गई थी।